पहले काउंटर मसाज के नाम से 5-6 लाख जमा करा लेगी, मसाज नहीं करी हल्का सा तेल लगा देगी थोड़ा सा, बड़ी जॉब 1 मिलियन, 1 ब्लू जॉब 1500, मतलब 15 लाख, यू वांट बूम बूम और नो बूम बूम। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका स्टेबल जंगी के नए एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश आइडिया। हां जी बिन, तो तुम आ रहे हो, तुम घूमने आ रहे हो, ठीक है, एंजॉय करने आ रहे हो, ठीक है, पार्टी करने आ रहे हो, ठीक है, लेकिन तुम कुछ गलत थॉट से आ रहे हो भाई, वहाँ जाके पिटाई पिटाई करेंगे, तो सुन लो पहले। यहाँ पे वियतनाम में जैसे तुम आओगे, ठीक है, जैसे तुम कदम रखोगे, ठीक ना, अपने होटल के बाहर जिस दिन आए, उस दिन रेस्ट कर रहे हो, उसके बाहर कदम रखोगे, ठीक है, तो रोड पे तुम्हें दल्ले मिल जाएंगे, मोटर बाइक वाला आएगा पूरे वियतनाम, चाहे वो हनोई हो, चाहे हो ची मिन सिटी हो, कहीं पे भी, ठीक है, तुम्हें दल्ले मिल जाएंगे। मोटर पहले आएंगे, जैसे बोलेंगे मोटर बाइक, अब बोलोगे नो नो नो, वो बोलेंगे बूम बूम लेडी पैकिंग, ये वो ताम झाम, ठीक है, उनके चक्कर में मत पड़ना, ठीक है, वो ले जाएंगे तुम्हें, वो तुमको फोटो दिखाएंगे, तुमको वीडियो दिखाएंगे, लड़कियां नंगी नंगी नाच रही हैं और पील रही हैं, ये सब फोटो दिखाएंगे, उनके चक्कर में मत रहना गुरु, वो सब यही सब क्लब में आते हैं, उसकी फ़ोटो खींच लेते हैं, दल्ले जो लेते हैं फ़ोटो खींच लेते हैं, वही आपको दिखा देते हैं, ठीक है, तो इन सब चक्कर में मत पड़ना, वो आपको ले जाएंगे, ठीक ना, कुछ होगा नहीं, ठीक है, आपको ले जाएंगे, आपसे पैसे डिमांड कर लेंगे, पैसे आपके पूरे जेब से निकलवा लेंगे, बस एलम पाल कुछ नहीं होगा, तो दल्लों के चक्कर में मत रहना। दूसरा चीज और बता रहा हूँ, होटल में अगर अपने बंदी को लेके आ रहे हो, चाहे वियतनाम में कहीं भी हो, ठीक ना, होटल में बंदी को लेके आ रहे हो, तो जब घर से आप निकल रहे हो, नाइट लाइफ पता है घूमने जा रहे हैं, आज हो सकता है बंदी मिलेगी लेके आएंगे, पहले दिमाग में बिठा लो अपना कीमती सामान, पैसा, पासपोर्ट और लैपटॉप मोबाइल, वो सब क्या करो ना, होटल के लॉकर में रख के लॉक करके चाबी कहीं छुपा दो, ठीक, और बियर पीनी है तुमको तो बियर लोड़ा साइगन बियर कहीं टपरे से पी लो, या फिर ये के क्लिक करके शॉप होती है यहाँ पे, ये देख लो स्क्रीनशॉट डाल दे रहा हूँ, वहाँ से पी लो, कब तक, जब तक कि तुमको नशा नहीं होता, अब भरपूर नशा टुल हो जाने के बाद, क्योंकि जो बियर तुमको 20,000 की मिलेगी ना बाहर, वो बियर वहाँ पे तुमको 1-1.5 लाख डॉन की मिलेगी, ठीक है, तो यहाँ से भरपूर पी लो, नशा मौसम बना लो, ग्रुप में आ रहे हो कहीं भी बैठ के यहाँ पे पी लो, फैमिली मार्ट से, केक क्लिक मार्ट से, कहीं से बियर लेके पी लो, या तो साइड साइड पे छोटे छोटे टपरे होते हैं उनसे बियर पी लो, ठीक है, फुल मौसम बना लो, फिर जाओ तुम वॉकिंग स्ट्रीट घूमने, कोई दिक्कत नहीं फुल नशे में, अब जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, जो तुम्हें बार अच्छा है, जाओ, तुम्हारा ऑलरेडी तुम फुल नशे में हो, तो ज़्यादा पियोगे नहीं, एक बियर लोगे तो 1 लाख डाउन लेगी, क्या दिक्कत है, एक बियर लो और इन्जॉय करो, उनके साथ डांस करो, पार्टी करो, इन्जॉय करो, ठीक, तो ये चीज़ है। और अब अगर तुम पड़ गए कि बार वालियों के चक्कर, क्योंकि वॉकिंग स्ट्रीट से जैसे आप आओगे तो आगे कोने पे इधर बार वाली मिलेंगे, वो आपको बुलाएंगे, उनके चक्कर में जाओगे, ठीक है, तो लंड तुम्हारे जेब से पैसे भी निकाल लेंगे, सुन लो बुरमारी वालों, वो तुम्हारे जेब से पैसे भी निकाल लेंगे, तुमको पता भी नहीं रहेगा, ठीक है, इसलिए उतने ही पैसे लौड़ा जेब में लेके आना, जैसे कि मान के चलो कि पूरा सेट हो गए तुम, अब बोलो जो अब प्लान है कब हम जा रहे हैं वॉकिंग स्ट्रीट घूमने, ज़्यादा 5 लाख डंग तुम रख लो अपने जेब में, कितना, अरे 5-6 बार हैं हाईलाइट, उसमें जाओ, ठीक है, एक एक बियर भी पियोगे तो साला तुम्हारे 3-4 लाख के तो पर भी पैसे बच जाएंगे, ठीक है, और भाई गलती से अगर तुम बाहर वाली लौंडियों के चक्कर में पड़ गए और उनके साथ भी गए तो कितने तुम्हारे चूदेंगे, 5 लाख ही चूदेंगे ना, ज़्यादा तुम्हें कंगाल कर दी, लूट ले गई तब, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, किसी दल्ले के चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी बार वाली के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है, अपना आओ पार्टी इंजॉय करो, वॉकिंग स्ट्रीट है, बस घूमो, क्लब में जाओ डांस करो, डांस इंजॉय करो, नए दोस्त बनाओ, पार्टी करो उनके साथ, यही करो, ठीक ना, हाँ एक चीज़ तो बताना भूल गया भाई, मसाज के चक्कर में, मसाज में भी गुरु यहाँ का ये सीन है, यहाँ पे बहुत सारे मसाज है, बहुत सारे मसाज अच्छे भी होते हैं, बहुत सारे मसाज ऐसे ही हैं, ठीक है, यहाँ पे ये वॉकिंग स्ट्रीट से तो मसाज कराना मत, यहाँ पे लोड़ा तुम जाओगे मसाज कराना, थोड़ा बहुत तेल से मालिश कर देंगी इधर उधर, उसके बाद क्या करेगी, बोलेगी यू वांट बूम बूम, बोलेगी यू वांट हैंड जॉब 1 मिलियन डॉन, यू वांट ठुकाई, मतलब कितना, 15 लाख डॉन मारी वाले, मतलब 5,000 रुपये, ठीक है, तो मसाज अगर प्रॉपर करना है, बॉडी रिलैक्स चाहिए, तो यहाँ से मत कराना इन सब गलियों से, ये सब यही मैंने ऊपर ले जाएंगे तुमको, खूब पर्चा, रोड पे जाओगे ना वॉकिंग स्ट्रीट में जैसे घूमोगे ना, तो पर्चा लेके एकदम खूबसूरत, मसाज मसाज मसाज
वो तुम्हारी मारने के लिए है, वो तुम उसकी नहीं मारो, वो तुम्हारी मारे ऊपर ले जाएगी तुमसे, पहले काउंटर मसाज के नाम से 5-6 लाख जमा करा लेगी, ठीक है, और बोलेगी मसाज, आप लड़की के पास जाओगे तो क्या थोड़ा बहुत तेल लगाएगी, बोलेगी वो मसाज नहीं करे, हल्का सा तेल लगा देगी थोड़ा सा, बड़ी चुकी वन मिलियन वन ब्लू जॉब 1500, मतलब 15 लाख, यू वांट बूम बूम और नो बूम बूम, इसे नो बूम बूम, हाँ तुम बोलो अरे यार फैलना है, ओ 3 मिलियन डोंग, मतलब कि 30 लाख रुपए, वियतनामी डोंग की बात कर रहा हूँ, भारतीय मुद्रा में करोगे तो वही 10,000 रुपए का प्रश होगा। इसकी माँ का भोसड़ा माचुदा 30 लाख, मतलब कि 10,000 की ठुकाई, ठीक है। तो ये सिस्टम है भाई यहाँ पे बस सही करना, ठीक ना। होटल के मैं तो रिकमेंड करूँगा यार, अगर अकेले आ रहे हो तो आप हॉस्टल में रुको, अपना सामान रखो, ठीक ना। बंदी अगर तुमको मिल जाती है अच्छी, ठीक ना, क्लब में अच्छी बंदी अगर मिल जाती है तो उसको होटल में कहीं भी होटल रूम लेके बजा दो, ठीक है। तो ये सीन है। और हाँ, यहाँ थाईलैंड जैसा नहीं है कि मतलब कि वॉकिंग स्ट्रीट से बंदी उठा रहे हो और क्या कहते हैं कि क्लब में से बंदी उठा रहे हो तो बंदी शरीफ निकलेगी, ये निकलेगी, यहाँ लौड़ा ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ मार के चली जाएगी, तुम्हारे पैसे तो पूरे पेल के चली ही जाएगी अगर तुमने सावधानी का ध्यान नहीं बरता तो। तुम भाई साहब बोल रहे बहुत अच्छी जानकारी दे, बोले ठीक है, ये चीज़ है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आई होप आपकी वियतनाम ट्रिप बहुत अच्छी जाएगी, ठीक है। ये देखिए बस छोटी सी नाइट लाइफ है। यस ब्रदर, ओ हाय, थैंक यू। तो भैया ये हम चल ही रहे थे तो ये पहचान गए मुझे, बोलते हैं यू आर यूट्यूबर, हम बोले या, तो फिर इन्होंने मेरा चैनल खोल के दिखाया, तब मेरे को एकदम भाई साहब एकदम गर्दा पे फोटो ले रहे हैं मेरे साथ। मानना पड़ेगा यार भाई साहब, इतना फेमस कर दिए कि क्या बताऊँ यार भाई साहब, आपने देसी दौर विदेशी भी, मतलब मैं डर जाता हूँ कि भाई यार क्यों रुकवा रहा है, वो अपने भाषा में बोलते हैं क्यों रुकवा रहा है, मैं भी घबरा गया भाई क्यों रुकवा रहा है, ठीक है। मैं अभी वीडियो बना रहा था, उसने हंस के बोला है, तो फिर उसने मेरे को आके हाथ मिलाने किया, फिर उसने मेरा यूट्यूब पे कुछ बोल रहा था तो मैं समझा नहीं, तो उसने यूट्यूब पे मेरा चैनल खोल के दिखाया, बोला यू, फिर हाथ मिला उसने, यार सच बता रहा हूँ यार, कभी सोचा नहीं था इतना प्यार और सपोर्ट कितना मिलेगा मुझे मेरे जैसे दरुए को, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है गुरु, यकीन नहीं मानेगा हर 5-10 मिनट में कोई ना कोई। और हाँ, अपने भारतीय के तो दूर की बात है, मतलब जहाँ जा रहा हूँ वहाँ के लोग भी यार, मतलब जहाँ जा रहा हूँ वहाँ के लोकल भी यार, लोकल कुछ परसेंट, ठीक है, ये नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों, हिम्मत बढ़ा दी आप लोगों ने, अब गर्दा है, तुम लोगों को गर्दा ही कॉन्टेंट देना पड़ेगा यार, जब आप लोगों ने अपना काम पूरा कर दिया तो मुझे भी अपना काम और ईमानदारी से करना पड़ेगा, और जो आपने मुझ पर ट्रस्ट किया है शुरू से, उस ट्रस्ट पे मैं खड़े उतरूंगा, और एक एक चीज़ की जानकारी चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, विधुवत तुम्हारा भाई तुमको देगा, ठीक है। आगे चलते हैं गुरु, यह है वियतनाम का हो ची मिन सिटी, कौन सी सिटी, हो ची मिन, समझे गुरु। तो यही छोटी सी नाइट लाइफ है, सब कुछ तो बता ही दिया, अब क्या बताऊँ यार, कहाँ रुकना है क्या करना है, ठीक है। और हाँ, इधर ये दिख गया, देखिए पीपी बैंक, अगर आपको वियतनाम में पैसे निकालने हैं, आप चाहते हो कोई फीस ना दे तो पीपी बैंक है, ठीक है, टीपी बैंक से आप पैसे निकाल सकते हैं, इस पर आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। हाँ, इंडिया का बैंक आपसे चार्ज करे इंटरनेशनल विड्रॉ के लिए तो वो कर सकता है, लेकिन यहाँ का बैंक आपसे कोई चार्ज नहीं करेगा, टीपी बैंक, चाहे वियतनाम से, चाहे हो ची मिन सिटी से निकालें, चाहे आप हनोई से निकालें, कहीं से निकालें, हेलो माय फ्रेंड, ठीक है गुरु। तो ये देख सकते हैं रात को भी कितना बज रहा है, रात को 1 बज गया है और पूरा ये सब सुकून सपाटा सब हो गया है गुरु, और यहाँ पे बहुत सारी कन्याएँ बैठी हैं, इधर की ओर देखते हैं कैसी अप्पा है, आगे चलते हैं, पूरी कन्याएँ कन्याएँ, माली माल माली माल माली माल, गप्पा गपी हैं, लेकिन ये सब यहाँ पे वो ज़्यादा है यार, स्पैमिंग ज़्यादा है, ठीक है गुरु, आगे चलते हैं।
तो बस हो गया, यही था। अब आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। यह था हमारा आज का वियतनाम के हो ची मिन सिटी के वही वॉकिंग स्ट्रीट का वीडियो और कुछ जानकारियाँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कुछ पूछता या कुछ सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछे, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जगह के साथ। तब तक ले बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद। अब ठोकाई वाली ढूंढनी पड़ेगी गुरु, वो जो डांस वाले को सेट किया ना उसी को लेके जाता हूँ। साइगन वाटर बस, देखिए कितनी अच्छी सर्विस है। यहाँ पे बारिश हो रही है तो जाने के लिए हमें छाता भी दे दिया है। शाम के समय में जब सूरज ढलने का टाइम होता है तो उस टाइम पे ये सीन बिल्कुल मत मिस कीजिएगा दोस्तों। आप हेलो,